सम ऑफ एम टर्म्स अपॉन एन टर्म्स किसके इक्वल दिया गिवन हमें एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 12। देखो जरा सम ऑफ एम टर्म्स अपॉन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है तो सम ऑफ एम टर्म्स क्या होगा भाई एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन एस एन क्या होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है टू से आप टू को कट कर सकते हो तो क्या आ जाएगा ये टू ए एम टू ए प्लस एम इंटू नहीं खोलो मत पहले एक काम करो सर एन और एम को एम को यहां से कट कर दो एन को यहां से कट कर दो हमारे पास बचेगा टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिस इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ये आ गया क्या प्रूव करना है सॉरी रेशियो ऑफ देयर एम एच एंड एन एच टर्म एम एच टर्म ए एम इसको इक्वेशन वन डाल के ही छोड़ दो ए एम अपॉन ए एन फाइंड करना है एक ही एपी है उसी एपी की एम एच टर्म और एन एच टर्म का हमें क्या फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है क्या होगा बताओ जरा ए एम को क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी ए एन को क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है अच्छा बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ना तो एम है ना एन है सॉरी एम एन तो है ए भी नहीं है ए भी नहीं है ना ए नहीं है डी नहीं है कुछ भी नहीं है। तो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था हम अपने इसकी वैल्यू ऐसे तो नहीं फाइंड कर सकते तो इसको हम इस जैसा बनाएंगे क्यों इसकी वैल्यू है हमारे पास इस जैसा बनाने के लिए देखो अब इसमें तो टू ए है तो हमें भी टू ए की जरूरत है यहां भी टू ए है हमें भी टू ए की जरूरत पड़ेगी तो ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया टू ए प्लस टू एम माइनस टू भाई ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई होगा अपॉन अपॉन में क्या आएगा टू ए प्लस टू एन माइनस टू इंटू डी ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है क्या आ गया यहां से ए एम अपॉन ए एन ए एम अपॉन ए एन। देखो जरा क्या लिखेंगे बच्चे जरा बताओ टू ए प्लस एम माइनस टू को देखो यहां पर यहां अब इसको कंपेयर करोगे आप इससे इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो टू ए आ गया और ये डी भी आ गया बस यहां के नंबर को थोड़ा सा सेटल करना है कैसे यहां लिखा है एम माइनस वन लेकिन हमारे क्वेश्चन में एम माइनस वन नहीं है तो हम इसको समथिंग माइनस वन टाइप का बनाएंगे क्योंकि यहां तो ऐसे ही है एक नंबर माइनस वन तो हम इसको अगर एक नंबर माइनस वन बनाते हैं तो ये बनेगा टू एम जो ये आगे माइनस टू है इसको माइनस वन लिखेंगे माइनस में वन लिखेंगे ये अलग हो जाएगा और माइनस वन अलग हो जाएगा इन टू में डी। नीचे क्या है टू ए प्लस नीचे के टू एन को भी ऐसा ही लिखेंगे टू एन माइनस टू है तो उसको लिखेंगे टू एन माइनस वन और माइनस में वन ब्रैकेट ओपन करोगे तो वही बनेगा टू एम माइनस टू ही बनेगा। ठीक है अब ध्यान से देखो पहले देखो बाद में लिखना इसका आंसर क्या है इसका आंसर है एम अपॉन एन इसकी वैल्यू एम अपॉन एन के इक्वल आती है मतलब ये वाला नंबर देख रहे हो यहां पर ये नंबर यहां और ये वाला नंबर डिनोमिनेटर में है ये इसका आंसर होता है। तो इस हमारा हमारी जो एक्सप्रेशन है ये वाली ये भी वैसी ही है इसका उसके अकॉर्डिंग देखे हम इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग देखे तो हमारे का आंसर होना चाहिए दिस टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए
इस वाले से कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, इसको इसका आंसर क्या देखो, ये नंबर अपॉन ये नंबर, ठीक है। तो हमारी एक्सप्रेशन भी सेम एज इट इज ऐसी ही है, तो क्या होगा उसका आंसर हमारे पास ऐसे हमें मिल जाएगा, ठीक है। लिखो जरा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये कहता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज एस एन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18th, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड एंड इट्स mth टर्म, साथ में हमें ये भी दी हुई है कि mth टर्म कितनी है, 164, mth टर्म कितनी है 164, फाइंड वैल्यू ऑफ m। देखो बच्चों sn कितना दिया है, बच्चों बताओ जरा, सभी बच्चों मुझे एक बात बताएंगे, sn दिया हुआ है, क्या sn से हम a1 a2 a3 निकाल सकते हैं, कैसे? सबसे पहले क्या निकालेंगे, S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S1 A1 के बराबर होता है और S2 किसके बराबर होता है, A1 प्लस A2 के बराबर होता है, तो A2 कैसे निकलता है, S2 माइनस S1 से, ठीक है, सभी बच्चों को पता है ये, देखो जरा अब निकालो फटाफट, N को 1 डालो तो 3 × 1 प्लस 5 कितना हो गया 8, S2 कितना हो गया, 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, प्लस n को 2 डाला ना 10, कितना हो गया 22, ठीक है। तो A1 कितना आ गया भाई, A1 आ गया 8, और A2 कितना आ गया, S2 माइनस S1, 22 माइनस 8 बोलो 14, ठीक है, A1 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया, अब हमें क्या निकालना है, B निकालना है, D is what? A2 minus A1, बोलो 14 minus 8 कितना आ गया 6, चले आ गया B आ गया, A आ गया, हमें AM given है, क्या given है, AM निकालना हमें, AM होता है भाई A plus M minus 1 into D, this is कितना given है 164, तो यहां से क्या आया A, ठीक है, 8 प्लस m माइनस 1, d कितना है 6, दिस इज इक्वल टू 164, m माइनस 1 इंटू d, 164 बाई माइनस 8, अच्छा गलत कर दिया, माइनस 8 एम माइनस 1 इंटू डी, डी दिया है, कितना है डी, कितना है 6, दिस इज इक्वल टू 156, सो एम माइनस 1 कितना आ गया भाई, ठीक है, एम माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 27, ठीक है, एम 27 आ गया। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मान लो हमारे पास ए और बी दो नंबर है, ए और बी क्या है, दो नंबर है, परीक्षा समझो, आप भी ए और बी दो नंबर है, ठीक है, हमें इनके बीच में कुछ नंबर इंसर्ट करने हैं, हमें इनके बीच में क्या करने हैं, नंबर इंसर्ट करने हैं, कैसे करने हैं, ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं, बोलो कि ये पूरी सीक्वेंस एपी बने, ये पूरी सीक्वेंस क्या बने, एपी बने, ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं, ऐसे ढंग से करने हैं कि ये सीक्वेंस क्या बन जाए, एपी बन जाए, A1 A2 A3 A4 A5 AN, कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, n नंबर इंसर्ट करने हैं, और ऐसे ढंग से करने हैं कि होल सीक्वेंस इज एन एपी, होल सीक्वेंस इज एन पी। अगर ऐसी सीक्वेंस आपने बना दी
तो जो नंबर आपने इंसर्ट किए हैं, ये पूरी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? एपी। ए से लेकर बी तक क्या होनी चाहिए? एपी। अगर आपने ऐसी सीक्वेंस बना दी तो बीच में जो नंबर इंसर्ट किए हैं उन्हें कहेंगे अरिथमेटिक मीन। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक मीन। आपके पास दो नंबर हैं ए एंड बी, उनके बीच में आपको कुछ नंबर इंसर्ट करने हैं, ऐसे ढंग से इंसर्ट करने हैं कि होल सीक्वेंस इज एन एपी। तो बीच में आपने जो नंबर इंसर्ट किए हैं दोज नंबर्स आर अरिथमेटिक मीन, उन्हें कहा जाएगा अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब देखो जरा बच्चों, अगर ये एक एपी है, पूरी एपी है, तो इस एपी का क्या होगा? एक कॉमन डिफरेंस भी होगा। अच्छा, कोई बच्चा जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा इस एपी में, इस डांस सुनना, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। गलत बोला तो नाम ले दूंगा, n टर्म्स। और उधर देख ले, n टर्म्स गाइस। गाइस ये तो टोटली गलत है। चल भाई, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? उससे पहले पूछा चाहिए। इस एपी में कितने टर्म्स हैं? n प्लस टू। n प्लस टू। देखो बच्चों, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए एन, एन हो गए यहां तक, ये वाला n प्लस वन और ये वाला n प्लस टू। n प्लस टू, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? टोटल ए प्लस एन प्लस टू है। इस बार रिलैक्स दे दिया, वैसे रिलैक्सेशन अगली बार नहीं मिलेगा। गलत देते नाम, इसका गलत, उसका गलत, इसका भी गलत। ठीक है, चलो इसमें कितने होंगे भाई? n प्लस टू टर्म्स होंगे। अच्छा बच्चों, ये इसकी कौन सी टर्म है बताओ जरा, कौन सी टर्म है बताओ? n प्लस टू एच टर्म है, n प्लस टू एच टर्म है, वो n प्लस टू एच टर्म है, n प्लस टू एच टर्म। अगर टोटल n प्लस टू टर्म्स है तो वो n प्लस टू एच टर्म हुई। मान लो टोटल 10 टर्म है तो लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी? 10th टर्म। किसी एपी में 100 टर्म है, लास्ट वाली टर्म क्या हुई? 100th टर्म। तो इसमें टोटल n प्लस टू टर्म्स है तो लास्ट वाली टर्म हो गई n प्लस टू एच टर्म। मतलब बी कौन सी टर्म है? n प्लस टू एच टर्म। अब n प्लस टू का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस टू माइनस वन इन टू डी, दिस इज इक्वल टू बी। क्या आ गया यहां से? n प्लस वन इन टू बी, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए। और बच्चों d इज इक्वल टू व्हाट? b माइनस ए ओवर n प्लस वन। d किसके इक्वल आ गया? b माइनस ए ओवर n प्लस वन के इक्वल। मतलब इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों? ये लास्ट नंबर, लास्ट टर्म, माइनस में फर्स्ट टर्म, ये वाला नंबर, डिवाइडेड बाई आपने इसमें जितने भी बीच में मीन डाले हैं ना, जितने भी मीन डाले हैं, दैट प्लस वन, दैट प्लस वन, दैट प्लस वन, दैट प्लस वन। कुछ लोग बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्यों भाई, क्यों धीरे बोल रहे हो? वन। बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, एक बात और, अब मान लो, अब आप मान लो, कहते जी मानते दम किसी का भी नहीं है करना, क्यों मान लें? ये कहता है इंसर्ट फाइव नंबर बिटवीन 8 एंड 26। आपको 8 और 26 के बीच में, 8 और 26 के बीच में पांच नंबर इंसर्ट करने हैं, सच दैट होल सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो मतलब हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, मतलब हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो ए वन ए टू ए थ्री टिल कहां तक? ए एन तक, ए फाइव तक, सॉरी, पांच नंबर इंसर्ट करने हैं तो एक ही बचा था, लिख ही देते ए फोर और ए फाइव। हमें क्या इंसर्ट करने हैं? ए फोर एंड ए फाइव, पांच नंबर हमें इंसर्ट करने हैं। अब ऐसे ढंग से इंसर्ट करने हैं कि पूरी सीक्वेंस क्या हो? एपी। इट मींस हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। बच्चों, होल सीक्वेंस अगर एपी बनेगी तो इसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। डी कितना होगा बच्चों? बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन, मतलब फाइव प्लस वन। एन, एन होता है जितने मीन इंसर्ट किए हैं। एन क्या होता है? एन क्या होता है? एन क्या होता है? जितने मीन इंसर्ट किए हैं। तो क्या हो गया? 26 माइनस 8 अपॉन
सिक्स, बताओ कितना आया? 18 अपॉन 6 3। ठीक है बच्चों, इस एपी का डी होगा। अब एक बात सुनो, जो पहला अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं वो एपी की सेकेंड टर्म बनाता है। देखो ये A1 और ये A2, जो पहला अर्थमेटिक मीन होता है ना वो एपी की क्या होता है? सेकेंड टर्म। यानी कि पहला अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है? एपी की सेकेंड टर्म के बराबर, यानी कि A+B के बराबर। जो दूसरा अर्थमेटिक मीन होता है वो एपी की फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म के बराबर होता है। दूसरा अर्थमेटिक मीन ये है ना, ये एपी की थर्ड टर्म के बराबर है। ठीक है, तो सेकेंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ द एपी, और थर्ड टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है A+2D। ठीक है, जो थर्ड अर्थमेटिक मीन आएगा A3, वो एपी की फोर्थ टर्म के बराबर होगा। कौन सी टर्म के बराबर? फोर्थ टर्म के बराबर। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई? A+3D। मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A+D, सेकेंड अर्थमेटिक मीन A+2D, थर्ड अर्थमेटिक मीन A+3D। तो बताओ nth अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A+ND। डैश nth अर्थमेटिक मीन क्या होगा बच्चों? A+ND। क्या होगा? A+ND। ये एपी का nth मीन है, और एपी की nth टर्म क्या होती है बच्चों? A+N-1 × D। इसको स्मॉल एन से लिखते हैं, और उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। समझ गए? ठीक है चमका। तो पहला अर्थमेटिक मीन A+D, सेकेंड अर्थमेटिक मीन A+2D, थर्ड अर्थमेटिक मीन A+3D, फोर्थ अर्थमेटिक मीन A+4D, ठीक है, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन A+5D। बताओ A+D, A कितना है? 8, D कितना है? 3। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद करवाते हैं भाई, N = A+B - A, N × B - A, N × B - A, N + 1। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद करवाते हैं, ठीक है, मतलब वही उन्होंने सीधा यहां डी की वैल्यू रख दी, A+N/(n+1)×B - A, वो ऐसे भी याद करवाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सीधा एन को जो जोन सा nth मीन निकालना है एन को उतना डालते जाओ। ठीक है, तो A+D यहां पर बताओ A कितना है? 8। 8+3 कितना हो गया? 11। लिखो भी, लिख नहीं रहे, मैं देख रहा हूं। हाँ, A+6 = 14। हाँ बोलो, 17। ये 17, 20, 23 पक्का? 23, 5 ही निकालने हमें, निकल जाएंगे, जल्दी कॉपी कर दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर B to the power n है, सभी लोग करेंगे परीक्षा को, आप भी करोगे। B to the power n upon A to the power n minus 1 + B to the power n minus 1। This is arithmetic mean between A and B. This is arithmetic mean between A and B. ये A और B के बीच में बच्चों arithmetic mean है। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा? अगर कोई नंबर कुछ नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर या कुछ नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर या कुछ नंबर्स क्या हैं, क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं, सॉरी मीन है, उनके बीच में अर्थमेटिक मीन है, तो वो सारी टर्म्स क्या बनाएंगी? एपी। वो सारी टर्म्स क्या बनाएंगी? एपी बनाएंगी। बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? ठीक है, अब ये दो नंबर है और इनके बीच में ये अर्थमेटिक मीन है, तो ये तीनों नंबर मिलके क्या बनाएंगे? एपी। ठीक है, अर्थमेटिक मीन तभी कहते हैं अगर ये तीनों नंबर एपी बनाए। अब अगर ये एपी बना रहे हैं तो एपी की प्रॉपर्टी होती है, तीन नंबर अगर एपी में है, एक्स वाई जेड एपी में है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो एपी की वो वाली प्रॉपर्टी लगा दें यहां पर कि दिस आर इन एपी, ये किसमें है? एपी में है।
तो ट्वाइस ऑफ मिडल यानी कि ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस बी एन, सभी लोग लिखेंगे ए टू द पावर वेट नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे, आधा दूरा नहीं लिखेंगे, जो आधा दूरा लिखा गया उसे जो दोबारा लिखवाया जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो बच्चों यहां से क्या आ गया, देखो जरा, टू ए एन ब्रैकेट ओपन कर दो, टू ए एन प्लस में टू बी एन, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन और बी टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस सर। बताओ यहां से क्या आ गया, टू ए टू द पावर एन टू बी टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एन माइनस वन। नहीं, जब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर एन बन जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी टू द पावर एन माइनस, फिर ये बी आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बी ए टू द पावर एन माइनस वन, फिर ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो बी पावर एन। क्या कोई बच्चा मुझे यहां से एन की वैल्यू निकाल के दिखा सकता है, दो मिनट तुम्हारे पास है। नहीं बेटा ऐसे आंसर नहीं, सही लग रहा बच्चों, इसको इधर लेके आओ, ध्यान दो इधर सभी, ये टू ए की पावर एन, ये ए की पावर एन, तो क्या बचेगा, ये बी की पावर एन और ये बी टू द पावर टू एन, इधर लाओ क्या बचेगा, इसको इधर लेके आओ माइनस ए बी की पावर एन माइनस वन, और इसको इधर लेके आओ माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। बच्चों ध्यान दो, इस टर्म को और इस टर्म को साथ साथ लिखो, और इनमें से a टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लो फर्स्ट, और इन टर्म को साथ साथ लिखेंगे और इनमें से a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, a बचेगा, यहां क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, नहीं समझे, पूरा लिख के दिखाऊं, a बचेगा और यहां क्या बचेगा, अगर a टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा अकेला सिर्फ। यहां पर बताओ जरा प्लस, यहां पर बताओ, यहां से b टू द पावर क्या कॉमन ले लिया, b टू द पावर क्या कॉमन ले लिया, n माइनस वन कॉमन ले लिया, यहां इन दोनों में से b माइनस ए आएगा। ठीक है, b माइनस ए आएगा और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो पहले b माइनस ए आ रहा था, अब क्या देखो यहां पर क्या बचेगा, b टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो a बचेगा, और यहां क्या बचेगा, b टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, बी बचेगा, और साइन कैसा आएगा, माइनस, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इस वाले का साइन प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। दिमाग पे जोर डाला करो, मैं पूरे स्टेप्स भी लिख सकता था इतनी देर में, पर मैंने जान पूछ के नहीं लिखे। ठीक है, देखो जरा, ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग समझते हो, आप लोग मैथमेटिक्स के नाम पे धज्जियां उड़ा रहे हो मैथमेटिक्स की। इधर आओ देखो जरा, यहां से a माइनस बी कॉमन लो, a माइनस बी कॉमन लिया, a माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां से a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a टू द पावर n माइनस वन माइनस b टू द पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू क्या, जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, सो आइदर a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो और एन माइनस वन माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप कॉन्सेप्चुअली अगर आपको कुछ थोड़ा सा बेस है, थोड़ा सा भी बेस है तो यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपका वो तो आप लगा ही नहीं पाते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट यू पीपल आर फ्लैट सेल्स। ठीक है बच्चों, ए कैन नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, अगर ए बी के इक्वल हो गया तो दिस इज नॉट एन एपी, अभी ए पी नहीं होगी तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज ए टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, नीचे लाओ, ए अपॉन बी की पावर क्या बन जाएगी, एन माइनस वन, लेफ्ट में लाए, नीचे लिखा और होल पावर लिख दी, नहीं समझे, नहीं समझे। ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बी टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू राइट में क्या बचेगा, वन, ये उधर से नीचे गया है तो वन बचेगा, जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखना। इस वन को आप लिखो बच्चों, ए अपॉन बी की पावर जीरो, क्या लिखोगे,
तो लेफ्ट साइड में बच गया a अपॉन b की पावर n माइनस वन, और राइट हैंड साइड में a अपॉन b की पावर जीरो। दोनों साइड बेस क्या है? सेम है। दोनों साइड बेस क्या है? सेम है। पावर कंपेयर कर दो तो क्या आएगा? n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू वन ये आएगा। ठीक है, 16th question. ये कहता है बिटवीन 1 and 31, इसके बीच में, 1 और 31 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करें? सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, करके दिखाओ जरा अगर आता है तो। बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर हैव बीन इंसर्टेड, इसके बीच में क्या करें? m नंबर इंसर्ट किया है, a1 a2 a3 कितने m m नंबर m नंबर इंसर्ट किया है और ऐसे ढंग से इंसर्ट किया है। ठीक है, m नंबर हैव बीन इंसर्टेड सच दैट इट इज ap। ठीक है, ये कहता है कि सेवंथ नंबर, रेशियो ऑफ सेवंथ नंबर, अब ये बात कर रहा है रेशियो ऑफ सेवंथ नंबर। सेवंथ नंबर का मतलब क्या? सेवंथ नंबर, नंबर इंसर्ट किया है ना बच्चों, उन्हीं की बात कर रहा है। सेवंथ नंबर यानी कि ए सेवन मतलब ए एट, इसका रेशियो किससे? एम माइनस वन से कितना दिया हुआ है? ठीक है, कितना दिया है? 5:9 दिया हुआ है। ये रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:9। ठीक है, ये 5:9 दिया हुआ है। a7 अपॉन am माइनस 1 इज इक्वल टू 5/9 के इक्वल है। अच्छा, a7 इज व्हाट? a7 क्या है? a7 होता है बच्चों a प्लस, बोलो a7 का फॉर्मूला बोलो, a प्लस 7d। देखते हैं कौन जल्दी करता है, a प्लस 7d और a प्लस m माइनस 1 इंटू d, और जो जल्दी नहीं कर पा रहे वो मेरा देख लो क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूं। दिस इज 5/9। जल्दी से जल्दी तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है। a कितना भाई? a को 1 डालोगे, a को डाल दिया 1 प्लस d, नहीं पता हमें ये पक्का, जैसे बताया क्यों नहीं? अरे यार सारा गड़बड़ करवा दिया। दिस इज इक्वल टू, बताओ भाई, दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 से, हाँ क्या हुआ, निकला किसी का 5/9? ना किसका निकला 16? कहां से कॉपी मार दिया? ए, मैं चेक करना पड़ेगा, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं मुझे लगता है। हैं m प्लस 1 सर, m इज इक्वल टू 16, 30m माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 5/9। क्या आ गया भाई यहां से? क्रॉस मल्टीप्लाई अभी करेंगे, उधर हो गया m प्लस 211, m प्लस और नीचे कितना है भाई? m 31m, 31m प्लस दिस इज 5/9, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया 9m प्लस 19918 इज इक्वल टू 5 155m प्लस में 5, तो 18 double 9, 5 को इधर ले आओ, दिस इज 155m, 9 को इधर लेके जाओ माइनस 9m, दिस इज 39 माइनस का 30 था ना, तो माइनस 29 आएगा यहां पर। क्या आएगा यहां पर? 31m माइनस 29, माइनस 29 लिखो यहां पर, कितना? माइनस का 29। ठीक है, तो 29 5 जा कितना होता है भाई? 145। ठीक है, 29 5 जा तो यहां कितना आएगा? 1899 प्लस 145 इज इक्वल टू, बताओ इधर कितना आया? 2044 और इधर 146, m की वैल्यू बताओ, 2044 अपॉन 146, बताओ m की वैल्यू जरा कितना आया? गलत कर दिया? ओ क्या गलत किया?
ठीक करो ठीक करो। देख लो बच्चों कैलकुलेशन तो पूरा है। कौन सा एम्परसेंड काट दिया भाई? वो तो मैंने भी काट ही रखा है। काटो भाई इसको काटो, चार से कट रहा है ना या नहीं? नहीं कट रहा है तो काटो। 146 नहीं, चार से कहां कट रहा है? तो निकालो आंसर, निकालो फटाफट। बिल्कुल नहीं, फोन चला जाएगा नीचे कैलकुलेटर के साथ। इधर से ये इसे इधर ही विंडो बिठा, इधर बैठना शुरू किया मैंने तभी फोन फेंकने में आसानी हो। जल्दी करो जल्दी आंसर निकालो फटाफट, कोई भी बात आंसर निकलने के बाद में होगी। क्या भाई इतनी देर से तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे यार, हैरान करने वाली बात है। 14 ओ तुम क्या कर रहे हो? कम से कम नॉर्मली काट लेते दो से इतनी देर में, तो फिर कितना आया? एम इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 14। अगला क्वेश्चन है क्या है भाई? पॉलिनोमियल को देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। पहली इंस्टॉलमेंट वो कितने रुपए की पे करता है? ₹100 की। ठीक है, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ बाई, फिर 105 हो गया, फिर 110 हो गया, हर महीने वो ₹5 इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज करता है। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट? कितने अमाउंट वो 30th इंस्टॉलमेंट में पे करेगा? 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितने अमाउंट पे करेगा बताओ जरा। देखो भाई पहली इंस्टॉलमेंट में कितने अमाउंट पे की उसने? 100। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे की? 105। तीसरे इंस्टॉलमेंट में 100, तो 30th इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे करेगा? अब देखो ये एक एपी बन रही है, एक एपी बन रही है, तो इस एपी की जो 30th टर्म आएगी वही अमाउंट वो 30th इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, तो इस एपी की 30th टर्म निकाल दो। ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पर? 100। बी कितना है? 105। ए 30 कितना होगा? डी 5 है भाई, डी कितना है? 5। ठीक है, 30th टर्म कितनी होगी? ए प्लस 29D, 29D, ए प्लस 29D, यानी कि ए कितना है बताना जरा? 100 प्लस 29 इंटू, जल्दी आंसर निकालो भाई। 145 कितना? 100 प्लस 145 कितना आया? 245। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी के क्या है वही क्वेश्चन नंबर बताओ इसका क्या है? 18। हाँ, ये कहता है कि पॉलीगन है जिसका पहला एंगल 120 है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, और उसका हर एंगल कितना है? 5 ज्यादा है। नेक्स्ट एंगल कितना है? 5 ज्यादा है। दोनों एंगल्स के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये है, कहता है उसके नंबर ऑफ साइड्स बताओ, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है आपको। ठीक है बच्चों, बताओ नंबर ऑफ साइड। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड पॉलीगन में कितनी है भाई? एन है। पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है? एन है ना? बताना है हमें एन की वैल्यू क्या आएगी, क्या कोई बता सकता है? चलो फिर लाओ मैं बताता हूं, और आंसर निकलने के बाद पता लगेगा। देखो भाई, अच्छा इस एपी की ये एंगल है, ठीक है, देखो भाई जरा, अच्छा अगर इसमें मान लो n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है? n टर्म्स, तो इनका सम कितना हो गया भाई? n by 2, 2a, 2 into n20, प्लस में n minus 1 into b कितना है? 5। ये इन सब इस पॉलीगन में जितने भी एंगल है उन सबका सम ये हो गया, इस पॉलीगन में जितने भी एंगल है उन सबका सम क्या हो गया? ये आ गया। बट आया किसी को? ये तो गलत है बेटे, बट एक बात सुनो, ठीक है, किसी भी पॉलीगन में जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम होता है n माइनस 2 इंटू 180, यही होता है 90,
एम माइनस टू इंटू 180 यही होता है ना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर इसमें एन साइड है तो इसके एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, एन माइनस टू इंटू 180 के बराबर होना चाहिए। अब कितना आ गया यहां से देखो जरा, टू को तो उधर ले जाओ, एन बाई टू ये हो गया 240 प्लस में 5 एन माइनस 5 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 180 एन माइनस 360 कितना आ गया, अंदर कितना हो गया भाई एन बाई टू बताओ ये 235 माइनस 5 एन प्लस 5 एन दिस इज इक्वल टू 180 एन माइनस 360 तो ये तो हो गया 5 एन स्क्वायर प्लस में 235 एन दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 720 क्या आया यहां से 5 एन स्क्वायर माइनस बोलो 125 पक्का 10 में से 5 5 3 में से 5 में से 3 2 125 एन प्लस 720 दिस इज इक्वल टू 0 बताओ जरा 5 को कॉमन ले लो माइनस 25 एन प्लस बोलो 5 5 5 2 5 5 20 144 तुम्हारा सोल हुआ नहीं है कहाँ एन स्क्वायर माइनस 25 एन तो आंसर तो गलत आ रहा है एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 9 एन प्लस 144 दिस इज इक्वल टू 0 एन इंटू एन माइनस 16 माइनस 9 इंटू बोलो भी एन माइनस 16 ध्यान से सभी ये क्वेश्चन लिख रहे हैं मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं मैं जो करवा रहा हूं वो हर किसी की नोटबुक में होना चाहिए आपने अपना कुछ किया साइड में करो एन माइनस 16 इंटू एन माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0 एन इज इक्वल टू 16 और एन इज इक्वल टू 9 दो आंसर आए आपके ठीक है एक बात सुनो एन इज इक्वल टू 16 नहीं हो सकता एन इज इक्वल टू सिर्फ 9 होगा बताओ इसका लॉजिक बताओ एन इज इक्वल टू 16 क्यों नहीं हो सकता बच्चों 16 अगर टर्म लेंगे यहां पर तो देखो ए 16 निकाल के देखो ए 16 120 प्लस 15 डी 120 प्लस 15 इंटू डी कितना 5 कितना होगा 120 प्लस 70 190 ये एंगल 195 हो जाता है किसी भी पॉलीगन का इंटरनल एंगल 180 से बड़ा नहीं होता छोटा होता है 180 से छोटा होता है ठीक है इसलिए 16 साइड हो ही नहीं सकती तो सिर्फ आंसर क्या होगा 9 समझ गए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म